हाँ, तो अब देखिए, वेरी फर्स्ट ये है कि हमने मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, और मैंने भी कहा है और आप लोग भी, मैट्रिक्स ये डिफिनेशन पेपर में नहीं आता, लेकिन एमसीक्यू में इससे अगर कहीं पे कोई टच हो जाए कि आपको पता हो। और मैट्रिक्स क्या सर, है, मैंने मैट्रिक क्या उस चुप है, हो जाओ। मैट्रिक एक रेक्टेंगुलर एरे है, मतलब इसमें ए सी भी एलिमेंट्स लिखते हैं, ए सी भी और ऊपर नीचे भी। देखिए ए सी या ऊपर नीचे इस तरह लिखा जाता है, तो अब इनमें हॉरिजेंटल भी लिखा जाता है, वर्टिकल भी लिखा जाता है, और इसके अंदर जो एंट्रीज होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं, इनको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रो में कितनी एलिमेंट्स है, 1 0 0 3। थ्री थ्री एलिमेंट्स। तो रो ये हॉरिजेंटल जिस तरह होता है इसे रो कहते हैं, ठीक है, क्या रो कहते हैं? रो हॉरिजेंटली रो। नहीं, ROW, और ये किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल एलिमेंट्स की हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को। अच्छा, तो इसमें कितने रोज हो गए, और वर्टिकल को क्या कहते हैं? हाँ वो मैं बता रहा हूं, पहले ये हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं, रोज। तो इसमें कितने हॉरिजेंटल रोज रोज हैं, थ्री। थ्री, और ऊपर से जब नीचे ये वर्टिकल हो तो उसे कहते हैं कॉलम्स, यस ठीक है। तो हमने देखा मैट्रिक्स वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोज एलिमेंट्स का कंबिनेशन है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको हम XYZ वगैरह उससे हटा लेते हैं और उसके नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन आसानी से निकालते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा। हाँ, तो और ये प्रॉब्लम्स, ये आम डेली लाइफ के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लेकिन अब हमारा सिर्फ बेसिक इसका ये है कि हम इसका बेसिक सीख ले कि ये है क्या, बस बाकी इसका ओके एप्लीकेशन सर, बाद में। ये सर जरूरी रियल नहीं है नंबर कि का बताएं, ब्रैकेट ये रियल होना नंबर, चाहिए। हाँ, सर, रियल एरे नंबर, किसे कहते जबरदस्त, एक मिनट। हाँ, एक एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज रियल नंबर, दूसरा, हैं? कि एरे किसे कहते हैं? हाँ, एरे। एरे कहते हैं अरेंजमेंट्स को, ओके अच्छा के सर, नंबर्स। जरूरी है कि ब्रैकेट इसी तरह हो गया, दूसरे ब्रैकेट भी हम इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं? नहीं, आप लोगों के लेवल में यही ब्रैकेट है, और अगर आपने ये वाला ब्रैकेट लिखा तो फिर वो सेट्स वाला है, वो फिर मैट्रिक्स नहीं यस, रहता। ओके ओके सर, रियल नंबर अब के बारे में बताइए। आपका रियल नंबर क्या है, आप जहन में, आपके जहन में या आप जो लिखते हैं वो सारे नंबर वो रियल है, अगर इसमें, आप लोगों ने ये आयोटा वगैरह पढ़ा है, हाँ नो नो ओके नहीं पढ़ा, तो चलो ठीक है, इस तरह मैं बताता हूँ, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो, या एक और डेफिनेशन, उससे अलग मेरे जहन में एक और डेफिनेशन आ गया, ऐसा नंबर जिसको आप स्क्वेयर करें और आपका आंसर प्लस आ जाए, उस नंबर को हम रियल ओके नंबर कहते हैं। अ नंबर हू स्क्वायर ओके इज पॉजिटिव, अब सर दूसरा सवाल। नहीं, अभी इसमें एक बात रहती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर कैसे आगे। पॉजिटिव? हाँ, क्वेश्चन जरा जहन कैसे में रखिए। पॉजिटिव? हाँ, मैंने -2 लिया, तो इससे क्या है कि माइनस पे स्क्वायर है, तो 2 माइनस हुए, दोनों माइनस आपस में कैंसिल प्लस होके प्लस देगा, और इससे 4 आता है, या जो कुछ भी आता है, हम इसमें आंसर में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द साइन, ओके इफ द साइन इज पॉजिटिव देन द नंबर इज सेड टू बी मैट्रिक्स, नो रियल नंबर, सॉरी, रियल रियल नंबर। नंबर। जबरदस्त। हाँ, अब देखें रियल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, रियल नंबर के नोटेशन इसका यह होता है, व्हाट डज नोटेशन मीन? रिप्रेजेंट्स। नोटेशन मीन सिंबल, सिंबल अच्छा अलामत, मतलब इस आर से या अगर आप स्मॉल आर अच्छा लिख, हाँ स्मॉल आर लिख के, इट डजंट मीन रियल नंबर, इट मस्ट बी इन दिस ओके फॉर्म। सर, ये क्या हो गया? सर, और जी, सर ये अरेंजमेंट्स जो है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में होगी, यानी रो और कॉलम में होगी, और जिस तरह नहीं हो सकती। बिल्कुल एग्जैक्टली, सिर्फ यही होगा, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ओके आप किसी और तरह से लिखे फिर उसे मैट्रिक्स नहीं कहते, ओके उसे क्या कहते हैं, फिर उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं तो उसे हम छोड़ देते हैं। ओके हाँ, अब देखिए रियल नंबर, आपने अभी, मैं आपसे पूछ रहा सर हूं, सर
जी 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 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस मैट्रिक्स इज सिंगल और मैट्रिसेस उसका प्लूरल है अच्छा ठीक है लेकिन चलो मैं आप वो रियल नंबर वाली एक बात आपको क्लियर कर दूं माइनस टू का तो आ गया प्लस फोर तो हम इसके फोर में आंसर में इंटरेस्टेड नहीं है जस्ट इसके साइन में इंटरेस्टेड थे अभी ऐसा कोई नंबर आप मुझे बता सकते हैं जिसको मैं स्क्वायर कर दूं और उसका आंसर प्लस ना जाए फोर तो खुद ही प्लस है तो उसको स्क्वायर करने से फिर 16 आएगा सर तो हर एक का प्लस आएगा सर किस नहीं, तरह सिक्स भी नहीं स्क्वायर रूट से सर ये तो सबका वो आएगा प्लस आएगा चाहे माइनस हो या प्लस हो जीरो 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 तो खुद ही प्लस है उसको अगर आप कर दें स्क्वायर कर दें तो फिर भी नाइन भी नहीं है तभी मैं बता हाँ किस तरीके से करे कि पॉजिटिव आए एक मिनट अगर मैं सिर्फ ये लिखूं जरा देख लें फोर नहीं फोर भी नहीं स्क्रीन पे जरा ना लिखी कि मुझे आप जरा ये माइनस फोर का स्क्वायर ले ले तो क्या आएगा माइनस फोर का प्लस एट फोर प्लस आंसर आएगा हाँ जी क्या आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होते हैं यस नो Like for example, एक मिनट अच्छा फोर फोर सीन सर टू जो है वो फोर का स्क्वायर रूट है ये इस तरह होता है सर एक मिनट नहीं कि जो नंबर हम दो बार मल्टीप्लाई करें एक स्क्वायर लेने के लिए तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता है एक मिनट मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं देखें स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू है 1/2 ये पता है yes, yes. हाँ और टू तो क्या टू और 1/2 आपस में कैंसिल हो सकता है yes. Yes. तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुआ yes. हाँ जब कैंसिल हुआ तो आपका आंसर क्या रह गया -4 तो क्या आंसर आपका पॉजिटिव आ गया नो no. जब पॉजिटिव no. नहीं आया तो क्या ये रियल नंबर है No. हाँ तो बस ऐसे नंबर जिसको अब ये कौन से नंबर हैं इसको इमेजिनरी नंबर के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया नहीं मैंने टू नहीं मल्टीप्लाई किया जब पावर आप किसी जब आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं उससे प्लस आ गया तो वो रियल होगा प्लस नहीं आया तो नॉट रियल तो ये तो हर एक से प्लस आएगा ना तो अब ये देखे माइनस स्क्वायर रूट फोर से प्लस आता है माइनस ये टू और स्क्वायर रूट टू ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो क्या रह गया स्क्वायर रूट कौन सा ऐसा सब मार्क लगाए एक मिनट फिर से मैं लिखूं खैर ये आप लोगों ने स्क्रीन बहुत व्हाइट पेज सर है वो उस पे करें तो मैं लिख लेता हूं कि जरा देखें मैंने आपको ये बताया था इससे अगर प्लस आ जाए तो वो रियल नंबर होगा ओके दिस इज ओनली स्क्वायर अब मैं ये लिखता हूं माइनस टू तो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है आपस में खत्म हो गए तो क्या रह गया माइनस टू तो क्या ये रियल है क्योंकि रियल के लिए आंसर मस्ट बी पॉजिटिव ओके सर अगर हम माइनस टू की जगह प्लस टू लिखें तो फिर तो गलत आएगा ना नहीं आपने प्लस टू लिखा तो फिर प्लस आता है तो अब रियल है तो सर बात सुने जरूरी है कि ब्रैकेट के अंदर जो है ये स्क्वायर रूट में माइनस में हो प्लस भी तो हो सकता है ना तो अगर प्लस है तो रियल होगा अगर प्लस नहीं है तो रियल नहीं होगा यही तो मैं बता रहा हूँ आप किसी नंबर का स्क्वायर करें प्लस आंसर आ जाए तो बस आपने कहा ये रियल है माइनस आ जाए तो रियल नहीं है जरूरी है इसको रूट तो मैट्रिक्स में रियल नंबर होने चाहिए मैट्रिक्स में रियल नंबर होने चाहिए ओके हां जरा ये डेफिनेशन बस याद रखें इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव दिस विल बी रियल इफ इट इज नेगेटिव सो दिस विल नॉट बी रियल सर थोड़ा सा लिखिए हम पे स्क्रीनशॉट लेते हैं
अगर स्क्वेयर इफ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव सो दिस विल बी रियल नंबर समझ नहीं आ रही है मैं ये सब क्या कर रहे हो सर जरूरी है कि स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर फाइंड करने से मैट्रिक्स होता है नहीं तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगी वो रियल नंबर्स ही होंगी मतलब ऐसे नंबर्स आपने रियल नंबर का पहचान लिया तो जब रियल नंबर पहचान लिया तो इसका मतलब ये आप लोग क्या करते हैं रोजा है रोजा थोड़ा गुस्सा करे रोजा है बस इतना मैंने कह दिया किसी को तकलीफ ना दें बिल्कुल मत करो ना आप लोग स्टडी को सीरियस नहीं ले 9 मई को पता चलेगा चलो पता चल जाएगा और मेरे ख्याल में कोई ना कोई मुझे बता भी देगा कि ये कौन है हाँ तो देखें ये हो गया मैट्रिक्स है अब मैट्रिक्स के अंदर कौन सी चीजें हैं उसके अंदर रोज और कॉलम्स हैं मैंने आपको शुरू में बता दिया रोज क्या है रोज रोज जो इस तरह हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज और जो वर्टिकल होते हैं उसको कॉलम्स कहते हैं उसको कॉलम्स कहते हैं अब इसमें नेक्स्ट टर्म है ऑर्डर ऑर्डर या डायमेंशन आपके पास जितने रोज हैं आपके पास जितने रोज हैं उसका नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज नोन एज ऑर्डर इसमें देखिए कितने रोज हैं इसमें एक तीन रोज है रोज हाँ दो रोज है और तीन कॉलम तो 2/3 इसका ऑर्डर है बस किस तरह ऑर्डर क्या है ऑर्डर इज मल्टीप्लाई बाय नहीं ऑर्डर नंबर ऑफ रोज तो आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं नहीं ये रोज को इस तरह क्या है कहते हैं ऑर्डर को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ और मल्टीप्लाई नहीं से सिक्स आंसर नहीं आएगा सर एम और एन का क्या मतलब है एम और एन तो समझा दूंगा लेकिन पहले ये समझें कि किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज जितनी भी है वो लिखें और जितने कॉलम्स हैं टू मल्टीप्लाई बाय 3 आपने कैसे लिखा समझ नहीं आई कैसे हाँ, है इसमें कितने रोज थे इसमें टू तो मैंने टू लिखा कितने कॉलम्स थे थ्री तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन को ऑर्डर कहते हैं रिप्रेजेंटेशन को व्हाट नहीं बस जस्ट इस तरह आपको कहा जाए कि इसका क्या ऑर्डर है 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ओके ठीक है अब आपने कहा कि एम क्या है मैं जनरली एक मैट्रिक्स ले रहा हूं कि इसमें एक मैट्रिक्स मैंने लिया उसमें रोज एम है और कॉलम्स एन है तो एम क्रॉस एन या एम बाय एन इसका ऑर्डर होगा ओके एम मैट्रिक्स को स्टैंड करता है मैंने पहले चलो मैंने एक मैट्रिक्स लिया उसमें सर एम स्टैंड फॉर मैट्रिक्स व्हाट नो नो जो एम है ना ना नहीं नहीं मल्टीप्लाई बाय एन ये वैसे बस अल्फाबेट से खैर मैं आपको चलो मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज लेट दैट इज एल नंबर ऑफ कॉलम्स आर पी सो व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर एल मल्टीप्लाई पी जबरदस्त बस ये इसका ऑर्डर हुआ इसमें इतनी खास बात नहीं तो इसे ऑर्डर कहते हैं जब हम रो और उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम को बिल्कुल ओके ठीक है समझ नहीं आ रही ना फिर उसे क्या कहते हैं हाँ फिर से सुन ले फिर से जिसको समझ नहीं आ रहा वो फिर जब रो और उसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या कहते हैं उसे इसको ऑर्डर कहते हैं ऑर्डर order of the अभी आगे वाला समझाए और से कि order of matrix equals to m minus by ये वाला समझो तो ये m और n क्यों है ये कह रही है ना हाँ ये आगे हाँ तो फर्ज करें हमारे पास ये मैंने सपोज किया
एम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? रोज को, मतलब पांच रो है तो पांच को मैंने एम कहा। ये हमेशा तो टू थ्री फाइव नहीं होगा ना, कभी ज्यादा कभी कम, तो जस्ट मैंने उसे एम कहा। एक मैट्रिक्स है उसमें एम रोज थे और एन कॉलम्स थे, तो बस उसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन या एम बाय एन बस। किस चीज वाली? ये माइनस वाली, देखिए कि order of matrix equals to m minus by minus n. ये लिखा है इन चीज को, इसको वर्डिंग में लिखा है m by n. ये तो ये by है, by है, m by का मतलब division नहीं है, तो ये दोनों के लिए यूज करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन डिविजन दोनों। हाँ हाँ, और ये तो माइनस नहीं है ना कि m माइनस by, ये तो बस नहीं, नहीं, ये स्पेस है, स्पेस। अच्छा अच्छा सही, ये m, अरे ये n और n किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? सही से नहीं बता हमेशा। और चलो चलो मैंने इसमें कह दिया, इसमें कि इसमें रोज थी तीन और सॉरी रोज थी इसमें दो और कॉलम्स थी तीन, इसमें रोज टू कॉलम्स टू, ये है ना, ये तो समझ रहे हैं, लेकिन हमेशा टू और थ्री और ये तो नहीं होगा ना। यस, किसी के कम किसी के ज्यादा हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए कहा फर्ज करें एक मैट्रिक्स है उसमें एम रोज है और इसमें एन कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन बस। सर ये तो जरूरी नहीं है ना कि रो और कॉलम मल्टीप्लाई करें, कॉलम पहले लिख सकते फिर रो लिख सकते, या तो फिर उसे ऑर्डर नहीं कह कर सकते। अच्छा पहले रो कॉलम को मल्टीप्लाई करने। जी 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 सर, नीचे लिखा भी है कि here m represents number of rows or n represents number of columns। बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसमें m कितने हैं? 2, n कितने हैं? 3। अच्छा, तो ये इसका सर यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हर जगह इस तरह होगा कि m जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, n कॉलम को। ये ऐसा है, ये एक रिवाज है, जिस तरह p by q for ratio, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रिवाज है तो हम m और n यूज करते हैं उस रिवाज के मुताबिक, वरना आप इसे इसे p और दूसरी को q कह सकते हैं। हाँ, जिस तरह p by q हम रेशनल नंबर के लिए यूज करते हैं, तो बिल्कुल। और m जो है वो हमेशा रो के लिए होगा? नहीं, फर्स्ट जो भी होगा वो हमेशा रो के लिए होगा, चाहे जो भी हो। अच्छा, फर्स्ट हमेशा रो ही लिखना है? हाँ, सेकंड कॉलम रो को। ओके सही, ठीक है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी आप ऑर्डर मालूम करती हैं तो पहले रो फिर कॉलम। अच्छा हाँ, अब एग्जांपल, चलो ये डी जो है इसका आप ऑर्डर बता दें। एम मल्टीप्लाई विद एन। नहीं नहीं, अब वो तो फॉर्मूला आता है ना। अच्छा, अभी स्पेसिफिक रो, एक मिनट, टू मल्टीप्लाई विद टू। बिल्कुल, टू बाय टू या टू क्रॉस टू भी आप कह सकते हैं। यस, और ये तो मल्टीप्लाई है ना। हाँ, लेकिन इस मल्टीप्लाई का ये मतलब नहीं है कि आगे जाके इससे फोर बनेगा, नहीं, जस्ट नोटेशन। अच्छा अच्छा, बस ये वैसे क्रॉस है। बिल्कुल हाँ, अब इसमें बता दे कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। टू मल्टीप्लाई टू बाय टू। नहीं, आप देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने दूसरा जवाब दिया। अगर मैं आपसे ऑर्डर मांगू तो आप कहेंगे टू बाई टू, अगर आप मैं इससे कह दूं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स है तो आपका आंसर है टू रोज और टू कॉलम्स। अच्छा हाँ, इसमें रोज और कॉलम बराबर है, इसमें टू रोज है और थ्री कॉलम्स है, बस सिर्फ ये आपने बताना है कितने रोज और कितने कॉलम्स, रोज और कॉलम बराबर है कि नहीं। और जब ऑर्डर का पूछेंगे तो फिर मल्टीप्लाई वाला बताएंगे। हाँ, और एक और बात, अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, उस मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, इसमें कितने रोज हैं? इसमें तीन रोज है और तीन कॉलम्स है, तो ये बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके सर। यहाँ पीरी किसके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स ये लिखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स, सबर सबर सबर, ठीक है। और जब बराबर ना हो, हाँ फिर आपके जहन में क्या आ रहा है?
तो जब नॉट स्क्वायर हो तो उसके लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी भी आपको पता है कि जिस तरह आप करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये और ये ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, तो और इसमें आप देखिए रेक्टेंगल जैसा बन भी रहा है। हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ रोज आर टू while the number of columns are 3, so number of rows and number of columns are not equal, so here the matrix is rectangular. Okay. Got it? और सर जब एक स्क्वायर क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। अच्छा। और जब दोनों बराबर ना हो तो that is known as rectangular matrix. ठीक। यस सर। सर क्लास ओवर हो गई सर, अब सब चीजों की रिवीजन करवाएं बस। सब क्लास ओवर हो गई ना, बस है बस ये। अब आपने ये ये वाला बताना है, डी वाला। डी में क्या है, कितने रोज है और कितने कॉलम्स है? इसमें तो कुछ ये डी थ्री रोज नहीं, डी 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 कॉलम है। अच्छा सही है, उस फाइल इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, एक रो है ना एक कॉलम। आप उल्टा कह दें, इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो दोनों बराबर हुई तो स्क्वायर। अच्छा, इसमें कितने रोज हैं? इसमें दो रोज हैं, नहीं एक रो, एक रो, एक रो है, एक कॉलम, एक कॉलम, एक रो, दोनों बराबर हैं। यस बराबर, इसको नहीं नहीं इसमें तो माइनस है ना। जब आप करते हैं तो ऐसे ये स्क्रीन वो ना करें ना तो बात सर, आपने तो बोला था कि मैट्रिक्स में माइनस नंबर नहीं होगा, इसमें तो माइनस है, देखिए माइनस फाइव माइनस थ्री। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, आपने मैंने आपको बताया था तो अभी मैं चेक करता, मैंने माइनस नंबर नहीं कहा था, मैंने कहा था रियल नंबर होंगे। हाँ तो अभी देखें, मैं माइनस फाइव जिस चीज को चेक कर रहा हूँ कि वो रियल है कि नहीं, तो वो उठा के इधर लिख लूंगा, लिख लिया, इसके स्क्वायर से प्लस 25 आता है। हाँ। तो क्या ये फाइव रियल है कि नहीं है? अच्छा, इसको मालूम करने के लिए हमने इसको टू पे वो करना है, पावर लगाना है, इसका स्क्वायर लेना है। बिल्कुल सही है, सही है। ओके। तो मतलब ये हो सकता है। ओके और सर ये फाइव नंबर किस तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? इसमें नंबर ऑफ रोज एक है, नंबर ऑफ कॉलम्स दो है, देखिए ऊप तो रोज और कॉलम बराबर नहीं है। ओके यस यस। इसमें देखिए कितनी रोज है, दो दो, देखिए इस तरह, और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है, तो ये टू बाई वन है, तो और एक कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर। इसमें बस ये आप लोग को बाकी देख लें। और सर एक बात जी जी, अब ये मैट्रिक्स में तो सब पॉजिटिव होते हैं ना नंबर? नहीं नहीं, मैट्रिक्स में रियल होते हैं सर, जरूरी नहीं कि रियल नंबर के साथ प्लस हो, शक्ल से जरूरी नहीं, हम उसको फाइंड करके देखेंगे ना। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आसान सी बात यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर ना हो।